बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह किचन में मैं हाजिर हूँ। आज मैं अंडा पराठा बना रही हूँ। अंडा पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे प्याज काट के रखी हूँ, चौपी चौपी प्याज काटी हूँ। टमाटर है, हरी मिर्च है, और ये हल्दी पाउडर है, और ये चाट मसाला है। ये अंडा मैंने यहाँ रखी हूँ, उसमें थोड़ा सा नमक डाली हूँ। अब इसे हम मिक्स करेंगे। ये बहुत ही इजी है, फटाफट बन जाता है। इसी तरह मैं और भी फटाफट बनने वाली चीज़ें मैं दो तीन दिन वही लगातार बताऊंगी। इजी एंड क्विक। यहाँ आपको दो अंडे चाहिए तो दो अंडे भी डाल सकते हैं। अभी इसे हम साइड में रखेंगे और रोटी बनाएंगे। हम जैसे नॉर्मल रोटी बनाते हैं वैसे मैं अभी रोटी बना रही हूँ। रोटी हमारी बेल के हो गई है। मैंने यहाँ पे गैस पे तवा रखी हूँ, तवा भी गर्म हो चुका है। अब इसे मैं ग्रीस करूंगी घी से। अब इस पराठे को मैं मीडियम आंच पे अच्छे से पकाऊंगी, फिर उसके ऊपर अंडा डालूंगी। हाँ, इस रोटी को मैं नीचे से पूरी तरह से पकाऊंगी, फिर उसके ऊपर अंडा डालूंगी। रोटी नीचे से अच्छे से पक गई है, अब उसे पलटी करती हूँ। अब इसके ऊपर अंडा डालूंगी और इस तरह से हमें उसे फैला के रखना है। गैस को मैंने मीडियम लो पे रखी हूँ। नीचे से चेक करते हैं हमारी रोटी हुई है कि नहीं। जब कम्प्लीट पक जाएंगे तब इसे हम फ्लिप करेंगे। नीचे से रोटी पक गई है, अब इस तरीके से हम इसे पलटी करेंगे। अब हम इसे नीचे से चेक करेंगे, लाइट गोल्डन हो जाएगा, फिर हम वापस से इसे फ्लिप करेंगे। अंडा हमारे नीचे से हो गया है, वापस हम इसे फ्लिप करेंगे। के बाद अब इस तरह से हम उसे फोल्ड करेंगे, थोड़ा बारीक गैस पे इसे पकाएंगे। बारीक गैस पे रखने के बाद इस तरह से अच्छे से पक जाती है, क्रिस्पी हो गई है हमारा पराठा। आप देख सकते हैं पराठा बनके तैयार, अंडा पराठा बनके तैयार है, एकदम क्रिस्पी हो गया है। ये खाने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है। आपको अगर मेरे अंडा पराठे की रेसिपी पसंद आई तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।